फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सीनियर मम्मी। तो मैं यहाँ बनाने जा रही थी मछली बकरी। मैं आज मछली की सब्जी बना रही हूँ, अभी बन रहे हैं नौ और मैं ये बना रही हूँ सिमी के पापा के लिए। सिमी आज सुबह राइस लेकर ले गई थी, वो आज रोटी और आलू फ्राई करके मैंने उसे दे दिया था। और अभी इसमें मैं फिर अभी बना रही हूँ सिमी के पापा के लिए, कहते हैं ये मेरे लिए भी हो जाएगा। तो मैंने आज यहाँ प्याज धो लिया था और टमाटर एक हरे मिर्च लिया था और मैं इसे छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट के आज फिश का जूस बनाऊंगी। मैंने इसे मिक्सी नहीं किया है आज प्याज को, तो ऐसे ही चटनी बना के तैयार कर लेती हूँ कभी कभी मैं। तो चलिए बना लेते हैं। और कढ़ाई मैंने बैठा दिया था, तेल भी गर्म हो चुका, तो अब इस प्याज को मैं इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ मेरा प्याज जो है फ्राई हो चुका था, मैंने इसमें धनिया पत्ता भी डाल दिया और जो भी मेरे पास मसाले थे वो डाल दिए हैं। अब ये फ्राई होगा तो मैं तब तक इसे ढके रख देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ फिश करी बन के तैयार हो चुका है, अब मैं गैरेज के पापा को लगा दूँगा। तो यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स भी पैक कर दिया है, और बाकी के जो घर के काम है वो कर लूँगी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह से मैं घर के काम दिखा रही थी आपको, आपसे मिलना ही नहीं हुआ, तो इसलिए आपका स्वागत फिर से कर रही हूँ। और मेरा आधा सारा काम हो चुका है, क्योंकि सिमी सुबह 5 बजे उठ के ट्यूशन जाती है, आप सब जानते हैं। और उसके जाने के बाद मेरा सारा काम जो है मैं ज़्यादातर निपटा लेती हूँ। लेकिन आज मैंने सिमी को जैसे कहा रोटी दिया था, तो फिर से मुझे राइस ये सब बनाना पड़ा सिमी के पापा के लिए। वो भी काम मेरा हो चुका है और अभी बज रहे हैं 10:30 होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर गर्म पानी पी रही थी, सुबह ही मैं सोप का पानी जो है ले लिया था मैंने, और अभी थोड़ा गला खिचखिच हो रहा था इसके कारण मैं गर्म पानी लिया है। और 32 बार फॉर्मूला में यही बहुत अच्छा लगता है कि घर के सारे काम के साथ साथ आप ये फॉर्मूला जो है यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपना सकते हैं। इसके लिए अलग से हमें कुछ वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मैं ज़्यादातर कोई चीज़ बाहर जाके कर नहीं सकती, जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मैंने देखा है कि जो हेल्थ के लिए होते हैं वो वर्कआउट ये सब करवाते हैं, उसका टाइमिंग वाइमिंग होता है। तो मेरी बहन सारे लोग भी हैं बहुत जन जो उसे फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने जब से 32 बार फॉर्मूला अपनाया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सारे काम के साथ साथ बीच में अपने लिए भी टाइम निकाल के ये हो जाता है, तो यही। और आप लोग भी इसे अपनाइए, ये बहुत ही यूज़फुल है मुझे तो लगता है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। खाने पीने में भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खा सकते हैं आराम से, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा लिमिट में खाना चाहिए और अच्छे से चबा के खाना चाहिए, जिसके कारण हमारा पाचन शक्ति जो है बहुत अच्छा होता है। तो मैं अपना गर्म पानी जो है पी लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि ये ठंडा हो जा रहा है। और आज मैंने ना फर्स्ट टाइम जो हीना होता है वो लगाया है, इससे पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, तो आज पहली बार लगाया है। तो मुझे हेड बाथ भी करना है और ये अभी मैंने लगाया था सारे काम हो जाने के बाद, और इसका हेड बाथ तो करूँगी। कल मैं कुछ घर के राशन के सामान भी लाए थे, वो भी मुझे डब्बे समय डालना है, तो मैं चलिए वो भी काम कर लेते। और यहाँ पर मेरे जो कल मैं सामान लेके आई थी उसे रात हो गया था आते आते, तो मैंने यहाँ पर रख दिया था। वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था मॉल का, उस मॉल में ना बहुत ही अच्छा, मतलब रीजनेबल प्राइस में रहता है सब चीज़, इसलिए हम लोग मंथली ग्रॉसरी जो है वहीं से लेके आ जाते हैं। और आते आते बहुत टाइम हो गया, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे साइड में सजा के रख दिया था। अभी जितना होगा वो सब मैं डब्बे में डाल दूँगी। यहाँ पर ये 2 लीटर का तेल डब्बा जो था, देखिए देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया था। और मेरा 2-3 लीटर में महीना चल जाता है, क्योंकि हम 3 जने हैं और वैसे भी मैं तेल बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर कम ही और तला बुना चीज़ें ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो इसलिए मेरा चल जाता है 2-3 लीटर में। और यहाँ पर ये जो है बिस्किट, छोटे नमकीन एबल्स बोलते हैं ये, 1 के साथ 1 फ्री था। मैंने अपने मंथली ग्रॉसरी का शॉट भी छोड़ा था कल, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही सामान जब लेके आई थी तो साथ साथ में छोड़ दिया था शॉट, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। तो चलिए मैंने यहाँ डब्बा रख लिया है और थोड़ा थोड़ा करके डाल लेती हूँ। और ये
मखाने पैकेट मैं पहली बार लेके आई हूँ, मुझे मखाने कैसे यूज़ करते हैं वो अभी नहीं मालूम, लेकिन ये अच्छे होते हैं करके सुना है। कल मैंने इसे थोड़ा सा सॉल्ट डाल के फ्राई किया था तो सिमी को पसंद आया था, इसलिए मैंने ओपन करके रखा हुआ है ये। कल मैंने ओपन किया था इसे रात में, तो सिमी को तो पसंद आया। बाकी इसे कैसे यूज़ करते हैं और अच्छी तरीके से मैं देखूँगी यूट्यूब में ही। और चले तो बाकी के सामान जो है मेरे डाल लेती हूँ इसे झटपट। और यहाँ पर मैंने डब्बों को भर लिया है, बाकी चने उन्हें मैंने अभी डाले नहीं है क्योंकि पुराने अभी पड़े हुए हैं, वो ख़त्म होने से मैं फिर नए डालूँगी। सूजी यूजी का पैकेट जो है मैं अभी खोला नहीं है इसलिए ऐसे ही रहने दूँगी, जब खोलूँगी उसके बाद मैं इसे डब्बे में डाल के फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि सूजी और इडली सूजी ये सब फ्रिज में रखो तो वो जल्द उसमें कीड़े नहीं पड़ते, नहीं तो बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं सूजी ये सब में। तो अभी ये तो काम हो गया है मेरा, थोड़ा सा कपड़े हैं मेरे अभी धोने के लिए, उसे धो लेती हूँ। और यहाँ बकेट भर के कपड़े हैं, इसे मैं धोऊँगी अभी और उसके बाद मैं नहाने चले जाऊँगी। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने आज फर्स्ट टाइम ब्लैक लगाया है मेहंदी, तो उसके लिए मैंने हैंड बाथ किया था और कैसा लगा है मैंने देखा नहीं है, तो देख लूँगी बाद में। और अभी ये बहुत लेट हो चुका है तो मैं अभी करूँगी पूजा, उसके बाद लूँगी गर्म पानी, फिर गर्म पानी लेने के बाद थोड़ी देर बाद मैं अपना नाश्ता करूँगी। तो चलिए कर लेते हैं। तो अभी मैंने पूजा कर लिया है और मैं अभी किचन में आ गई थी अपने लिए पानी बैठाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर अपने लिए गर्म पानी बैठा, वैसे तो गर्म पानी पूरा गर्म करके वाश में डाल देती हूँ कभी कभी, कभी कभी नहीं होता तो ऐसे बार बार गर्म करके पी लेती हूँ। तो अभी थोड़ा सा गर्म हो चुका है पानी, मैं इसे ले लूँगी। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ले लिया है गर्म पानी, तो अभी मैं इसे आराम से बैठ के पी लूँगी। और कुछ कहते होते हैं ना जैसे कि भाग भाग के दूध पीने से अच्छा है बैठ के आराम से पानी पिया जाए तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, कुछ जो कहते हैं ना अभी मुझे बहुत ही सही लगती है और सही में ये सब हमारे लाइफ में और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी मैं जब से ये फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ये सब बहुत अच्छे लगने लगे और आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ, और आपके साथ शेयर करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जो थोड़े बहुत थॉट्स मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम है लेकिन आपके साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अपना गर्म पानी जो है मैं फिनिश कर लेती हूँ, फिर कपड़ा मैंने धोया था उसे सुखा लूँगी और थोड़ी देर होने के बाद मैं अपना नाश्ता भी कर लूँगी। और ये बाहर का नज़ारा, धूप बहुत ही कड़े निकलने लग गया है इसके कारण सुबह 11:30 बजे ही देखिए धूप कितना निकलने लग गया है अभी। और मैं यहाँ पर कपड़े लाई थी उसे सुखा, ये एक बकेट कपड़ा है और एक बकेट भी कपड़ा है मुझे सुखाना है, उसे सुखा के मुझे अभी टाइम लगेगा तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स मैंने कपड़े सुखा लिए हैं और उसके बाद मैंने कपड़े सुखाने के बाद थोड़ी देर अपनी बहन से बात किया, उसका आज मैरिज एनिवर्सरी है तो उसे विश किया, और फिर विश करने के बाद अभी मैं ले लिया है मैंने अपना नाश्ता, और नाश्ता में लिया है रोटी और आलू फ्राई, थोड़े से सलाद। तो सलाद मुझे ऐसे तो खाना बहुत ही पसंद है लेकिन आजकल रेगुलर कर रही हूँ सलाद और खाना, क्योंकि रोटी थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। वैसे तो अभी लेट हो गया है लेकिन मैं सुबह ही जो है अपना सोप पानी लेने के बाद थोड़ी देर में बिस्किट या फिर टोस्ट कुछ भी हुआ खा लेती हूँ, खाली पेट मैं नहीं रहती, क्योंकि खाली पेट एक्चुअली मैं पहले ऐसे ही करती थी, चाय पी लेती थी खाली पेट और फिर बहुत देर तक काम करने के बाद कुछ खाती भी नहीं थी, उसके चलते मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत हो चुका था। लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ, सोप पानी पीने के आधे एक घंटे बाद मैं टोस्ट या बिस्किट या फिर कुछ भी हो हल्का सा खा लेती हूँ, फिर अपना काम करती हूँ और उससे कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। और आप यकीन मानिए मुझे गैस्ट्रिक का जो प्रॉब्लम था, मतलब खट्टे डकार ये सब, अभी उस प्रॉब्लम से तो मुझे बहुत ही रिलीफ मिला है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो अभी मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। और यहाँ फ्रेंड्स देखिए क्या हो गया है, मैं अपना नाश्ता करके हटी थी और मेरा जो वाटर प्योरीफायर है वो ओवरफ्लो करने लगे, अभी इसे क्या प्रॉब्लम है इसे देखना होगा मुझे। बैठे बैठे कुछ ना कुछ हो ही जाता है
और मैंने यहाँ पर नीचे बकेट भी रख दिया है, पानी गिर रहा है उसमें। तो अभी मुझे फ़ोन करके फिर बुलाना होगा वाटर प्योरीफायर ठीक करने वाले भैया को, क्या करते हैं देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ मैं अभी फ़ोन करके आ गई थी, तो वाटर प्योरीफायर जो मैंने दिखाया आपको कि ख़राब हो चुका है, तो फ़ोन तो किया लेकिन उनका फ़ोन लगा नहीं, तो फिर से करूँगी फ़ोन। और अभी बज रहे हैं 2, तो मैं अभी अपना लंच भी कर लूँगी। तो लंच में मैं आजकल राइस ले रही हूँ, लेकिन राइस को थोड़ा कम कर दिया है, साथ में रोटी ले रही हूँ, और क्योंकि राइस मेरा फेवरेट है, तो राइस पूरा तो मुझसे नहीं छूट रहा है, लेकिन आस्ते आस्ते ट्राई कर रही हूँ कि राइस कम ही खाऊं। वैसे तो मैं एक ही टाइम राइस खाती हूँ, और रात को चपाती जो भी हो, चपाती ही ज़्यादा बनता है तो खा लेते हैं। और जैसे तो वही मैं कह रही थी कि जैसे कि मेरा थंबनेल था कि बहुत इजीली हो जाता है 32 बार फॉर्मूला, जो हमारे रोज के काम के साथ साथ हम इजीली इसे फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसे फॉलो करके, और उससे मुझे अपने आप में फ़र्क भी महसूस हो रहा है। तो जैसे जैसे मेरा जो जो डेली रूटीन है और ये 32 बार फॉर्मूला मैं कैसे इसे कर रही हूँ, ये भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और तो व्लॉग आज का जो है मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि इसके बाद मेरे पास और कुछ करने के लिए है नहीं। तो इसके बाद जो भी होगा मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती रहूँगी। तो फिर मिलूँगी आपसे दूसरे व्लॉग में, तो बने रहिए हमारे साथ जिस चैनल का नाम है सिमी और मम्मी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। अगर एक बार में मैं नहीं देखो तो दोबारा भी किया कीजिए, मैं उन्हें डेफिनेटली रिटर्न करूँगी। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखिए। तो फिर मिलूँगी अपने दूसरे ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय।